उनका स्वागत कीजिए। तब तक पति बाबू को बुला कर आती हूँ मैं। अगर संपूर्णा बेटी को पता चल गया कि उसके माँ बाबा का स्वागत सत्कार अच्छे से नहीं हुआ है तो संपूर्णा बेटी बहुत नाराज हो जाएगी। और जामाई बाबू, आपको तो पता ही है, संपूर्णा बेटी नाराज हो जाएगी तो क्या होगा? प्लीज आइए, स्वागत है आपका। याद है आपको जमाई बाबू, मैं पहले समधी बनकर आया था और आपने धक्के मार के मुझे इस हवेली से बाहर भेज दिया। आज आपको हाथ जोड़े हुए देख मन बहुत प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हवेली में। खाली माँ, देखते देखते इस हवेली की रानी बन ही गई तू। तुझे पता है, आते वक्त मैंने देखा उस जमींदार त्रिलोचन रॉय चौधरी को। देखते ही समझ में आ गया मुझे कि तेरे राज गद्दी के रास्ते पे ना सबसे बड़ा कांटा वही है। माँ, तू ये सब क्यों सोचती है? संपूर्णा, देख मैं ये सब क्यों सोचूंगी और ना ही मैं चिंता कर रही हूँ। चिंता करने की बारी तो अब इस घर वालों की है। और मैं तो ये सोच रही थी कि तेरी शादी बिनॉय रॉय चौधरी से हुई है और क्या तेरे गले में ना कोई भारी भरकम हार, ना सोने की पायल, ना कमर पट्टी, और क्या ये बेकार साड़ी पहन के रखी है तूने? तेरे चक्कर में तो मैंने और तेरे बाबा ने कर्जे पे ये महंगे कपड़े और गहने लिए। अरे कम से कम सोने की जरीदार बनारसी या कोई विलायती कपड़े ही पहन लेती। माँ, कपड़ों में और गहनों में क्या होता है? शादी तो कर ली ना मैंने, अब तो औधा भी बढ़ गया है मेरा, तो ये सब क्यों चाहिए? संपूर्णा, औधा सिर्फ बोलने से नहीं दिखाने से भी बढ़ता है। जब तू जरीदार साड़ी और सोने में लड़ी होगी ना सर से पांव तक, तब मेरी बेटी लगेगी रॉय चौधरी हवेली की बड़ी मालकिन। और देखना कैसे सब तेरे आगे ना सर झुका के खड़े रहेंगे। एक बात अच्छे से समझ ले संपूर्णा, ये दुनिया दिखावे की है। मालकिन लगेगी तो मालकिन मानेंगे सब लोग। थोड़ा नजर घुमा और देख अपनी बहन बोंदिता को कैसे सोने से गहनों से लदी होती है। बोंदिता देखा है कभी? संपूर्णा दीदी, सारे गहने लाई हूँ मैं तेरे लिए, पहन ले इसे दीदी। दीदी नहीं है ये, तेरी सासू माँ है। तो माँ बोलने की आदत डाल ले बोंदिता। ठीक है संपूर्णा, मैं बुला भी लूँ पर हमारा प्यार तो बहनों वाला ही रहेगा ना मामी। क्यों दीदी? अरे नहीं नहीं संपूर्णा माँ, तो संपूर्णा माँ आप यहाँ बैठ जाइए। जल्दी से ये सब गहने पहना देती हूँ मैं, रस्मों का जो समय हो रहा है। Thank you.
एक मयान में दो तलवार हो सकती है क्या? नहीं ना। अब इस घर की मालकिन इकलौती सिर्फ संपूर्णा होगी, ये बौंदिता नहीं। अब बस मुझे संपूर्णा को सारे टिकरम सिखाने होंगे, जिससे वो इस बौंदिता का रॉय चौधरी हवेली से राज खत्म कर दे। कितनी सुंदर लग रही है ना मेरी संपूर्णा माँ? मेरी बेटी तो पहले से ही सुंदर थी, बस तेरे भाग पहले खुल गए। क्या कहा आपने मामी? बौंदिता, मैं तो यही कह रही थी कि तू दुनिया की पहली बहू होगी जिसे अपने सास को तैयार करने का और बोहात की रस्म करने का मौका मिलेगा। हाँ, अब लग रही है तू संपूर्णा रॉय चौधरी खानदान की बड़ी बहू। बौंदिता, अगर घर के बड़े मतलब त्रिलोचन रॉय चौधरी अगर आज रसम में ना आए तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, समाज तो यही सोचेगा कि उन्होंने अभी तक संपूर्णा को, मेरा मतलब इस हवेली की बड़ी बहू को अपनाया नहीं। फिर समाज मेरी बेटी को सबके सामने भला बुरा कहेगा। इसका तो एक ही हल है, संपूर्णा माँ तुम ही मना लो काका सुश्री जी को। मैं कैसे? बड़ा ही आसान है, जाकर पाँव पकड़ लो काका सुश्री जी के और उन्हें छोड़ना नहीं जब तक वो मानते नहीं। मैंने भी एक बार ऐसे ही मनाया था ना उन्हें। अरे बौंदिता, तेरी बात अलग है, तू उनके बेटे की पत्नी है, पर यहाँ संपूर्णा ऐसा नहीं कर सकती ना। संपूर्णा तो उनके जुड़वा भाई की पत्नी है ना। अब देख, तेरे काका ससुर जी और संपूर्णा दोनों का औदा बराबर का हुआ है ना, तो संपूर्णा उनके पैर पड़ेगी, अच्छा लगेगा क्या? तू ही बोल। अब देख, संपूर्णा को भी तो अपना मान सम्मान ध्यान रखे चलना पड़ेगा ना, और मेरी बेटी को पैर की जूती नहीं सर का ताज बनकर रहना है यहाँ। पर मान सम्मान तो बड़ों का दिल जीत कर मिलता है ना मामी, जो झुकता है उसे ही तो आशीर्वाद मिलता है, और बड़ों के पांव छूने से हम छोटे थोड़ी ना हो जाते हैं। घर में सब खुश रहे, मिलकर रहे, यही तो होता है ना एक बहू का धर्म। बौंदिता माँ, पर बौंदिता मैं जानती हूँ वो मुझसे नहीं मानेंगे। बौंदिता, तू तो काका ससुर जी की लाडली है ना, तेरी बात तो पक्का मानेंगे। तू क्यों नहीं उनको मना के लेके आती है रसम में? मैं तो यही चाहती हूँ कि आपको अपना ले काका ससुर जी, और देख लेना वो सारी रस्मों का हिस्सा जरूर बनेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। आप तैयार हुई है? अभी मना कराती हूँ मैं काका ससुर जी को। माफ कीजिएगा जमींदार साहब, पर आप पाप पुण्य का भेद कैसे भूल गए? नए घर में अपने ही भाई से विधवा विवाह करवा दिया आपने। देखिए, आप लोग निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। विनोय से जो भूल हुई है उसका पूरा पश्चाताप करेंगे हम, और समाज के लिए भी कोई गलत उदाहरण नहीं बनने देंगे। और हाँ, एक बात और, इस विवाह से जमींदारी में कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, आप लोगों के काम हो जाएंगे। माँ, तू ये क्यों चाहती है कि वो जमींदार त्रिलोचन रॉय चौधरी मेरी रस्मों में शामिल हो? तू जानती है ना वो आदमी फूटी आंख नहीं सुहाता है मुझे,
संपूर्णा बेटा, तू जहाँ तक देख पाती है ना, तेरी माँ उसके आगे से सोचना शुरू करती है। तू बस देखती जा क्या करती है तेरी माँ। जमींदार त्रिलोचन रॉय चौधरी ने अगर एक बार जबान दे दी तो वो अपनी जबान से कभी पीछे हटता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये भी कोई कहने वाली बात है काका सुशु जी? ऐसा कोई काम है जो एक बार कहा है काका सुशु जी ने ना हुआ हो? बहू, कुछ काम था क्या? हाँ काका सुशु जी, आपको याद है ना झूठी लड़की का सच बाहर आने के बाद आपने मुझसे कहा था कि जो मांगना है मांग लो, है ना? कहा था। तो आज कुछ चाहिए मुझे आपसे। बोलो बोलो क्या चाहिए बहू? मुझे ये चाहिए कि आप भी आए संपूर्णा माँ की बहुभात की रस्म में। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता बहू। हाँ, पर आपने तो जबान दी थी ना मुझे, और अभी तो आपने कहा था कि आप जमींदार हैं। कभी नहीं फिरते अपनी जुबान से, कहा था ना? अगर आज इन किसानों के सामने आप मुझे मना करेंगे तो इन किसानों को लगेगा कि आप हटते हैं अपने किए वादे से, और ये अच्छा लगेगा क्या मुझे और आपको? ठीक है, हो जाएंगे हम शामिल इन रस्मों में। सुना तो नहीं, आखिर पौंडिता ने उस खड़ूस को मना ही लिया। बिल्कुल घी खिचड़ी जैसा रिश्ता है दोनों का। माँ, मुझे पौंडिता से कोई शिकायत नहीं है, वो तो सबके साथ मिलके रहती है, पर मैं ये जानती हूँ कि वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी संपूर्णा दीदी से ही करती है, और मैं भी। पर माँ, तूने ये नहीं बताया तू ऐसा क्यों चाहती है कि वो त्रिलोचन रॉय चौधरी मेरी रस्मों में शामिल हो? ताकि तू उसे अपने पैरों के नीचे ला सके। उस त्रिलोचन रॉय चौधरी को खूब गर्दन ऊंची कर जमींदार बना घूमता है ना, तो मैं चाहती हूँ कि आज तू उसकी गर्दन तोड़ दे। एक बात ना अच्छे से समझ ले संपूर्णा, इन बड़ी बड़ी हवेलियों की सारी ताकत ना छोटे से चाबी के गुच्छे के अंदर होती है। इसीलिए जब वो भात पर सब गांव वाले वहां होंगे तब तू उनसे आशीर्वाद में जिम्मेदारी के साथ तिजोरी की चाबियां भी मांग लेना। तब मैं भी देखूंगी कि सबके सामने वो इस घर की बड़ी बहू को कैसे मना करते हैं। और एक बार तिजोरी की चाबियां तेरे हाथ में आई, इस घर की सत्ता तेरी मुट्ठी में होगी, तब बनेगी तू असल में इस हवेली की रानी। रानी संपूर्णा बेटा, सपना ही देखती रहेगी, उसे पूरा करने के लिए चलेगी नहीं। एक बात कहूं संपूर्णा, सपने खुद पूरे नहीं होते, उसे पूरा करने के लिए बहुत लड़ना पड़ता है, कभी अपने से और कभी कभी अपनों से भी। मैं लड़ने को तैयार हूं मां।
आखिर चाबियां हवेली की मालकिन के पल्लू में बंधी शोभा देती है ना। जा जल्दी से बाकी के गहने पहन ले और एक बढ़िया सी साड़ी पहन के तैयार हो जा। बंदिता, अब उन्हें संपूर्णा दीदी नहीं, संपूर्णा माँ कहकर पुकारना है उन्हें, उनके ओहदे का सम्मान करना है, समझी? ठीक है पति बाबू। बहुत अच्छे। नमस्ते। आपका स्वागत है मेरी प्यारी सी सुंदर सी संपूर्णा माँ की बहु बाकी रस्म में। आइए आइए। वाह बोंदता, बहुत अच्छे। भाई पहली बार देख रहे हैं, ऐसा तो ना कभी देखा ना सुना। ये बहु अपनी नई नवेली सास की रस्म कर रही है, ये तो हमें क्या। चलो आशीर्वाद में जोड़ी की चाबियां भी मांग लेना, तब बनेगी तू असल में रानी। जादो अपनी पत्नी को, ये यहाँ बहू की बहन बन के नहीं आई है, घर में नौकर बनकर आई है। बहुत विनाश कर लिया तूने इस घर का, चल निकल, निकल यहाँ से बाहर। जाने कौन सा काला जादू किया है जो नौकरानी से सीधा जमींदारिन बन गई है। हाय हाय, कितना अच्छा लग रहा है बड़े दिनों बाद संपूर्णा दीदी को ऐसे सजा हुआ देखकर, ऐसे रंग बिरंगे कपड़ों में। दुर्गा माँ हमेशा खुश रखना इन्हें, अपनी प्यारी सी संपूर्णा माँ के स्वागत के लिए मैं और पति बाबू आपके लिए कुछ खास करके दिखाएंगे।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.